राजस्थान की वीर भूमि में श्रीनाथ जी के आशीर्वाद की छाया के तले महेश्वरी समाज के संरक्षण में और हमारे आगेवाल जी और टीम के नेतृत्व में ये गुजरात का पहला सामाजिक शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसके लिए सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। है राजस्थान का तो बोला, गुजरात का बोला, क्या करूं, गुजरात में इतना ज़्यादा आना जाना होता है कि कुछ बैक ऑफ द माइंड बना रहता है। सरदार शहर गुजरात में, सरदार शहर राजस्थान में, एक दिन लगेगा। सरदार शहर राजस्थान में कुछ गांधी विद्या मंदिर में कुछ शिविर पहले हुए हैं, लेकिन सामाजिक रूप में देखा जाए तो ये पहला शिविर है और बहुत सुंदर जगह है। और महेश्वरी समाज का जिस तरह का संरक्षण प्राप्त हुआ है उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जिस तरह का ये शिविर है और जिस तरह का कंटेंट है, मुझको लगता है कि आज समाज के रूप में हम सभी लोग जिस तरह से जो कुछ भी मिलके सोच रहे हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से परिस्थितियां बदल रही हैं शायद उतनी तेज़ी से हमको भी और कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा शिविर है जो किसी तरह जो सभी धर्म का है, सभी संप्रदाय का है, सभी देशों का है, सभी राजनीतिक पार्टियों का है ना। एक अद्भुत घटना घटी है जो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके सामने शेयर हो जाएगा कि जैसे ही हम कोई धार्मिक किसी कार्यक्रम में जाते हैं या किसी इस तरह की चीज़ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म की दीवारें, हमारे गुरु जी तो नहीं बदल जाएंगे या किसी और को सुनना पड़ेगा, तो उन तमाम परेशानियों से मुक्त होके जिस तरह से हम क्लासरूम में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसी तरह से जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है, ये एक अद्भुत घटना घटी है। पिछले 5 सालों में दिल्ली स्कूल एजुकेशन, महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन, छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन में कुछ काम हुए हैं, समय आने से मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन बहुत एक आशा की किरण जगी है जिसमें कि एक लंबी छलांग और समाज में वो लोग जिन्होंने अपना तन मन धन किन्हीं सामाजिक सरोकार के लिए लगाया है, सारे प्रयासों के बावजूद बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास कहीं ना कहीं और बेहतर होने की ज़रूरत है, कुछ और भी होने की ज़रूरत है। तो मुझको लगता है कि शिविर के दौरान हम उन सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभा का एक सर्वे कर लेते हैं, कितने लोग केवल राजस्थान से हैं, केवल राजस्थान, क्या बात है आगेवाल जी, मैं तो ऐसा सुन रहा था कि बाहर से ज़्यादा हैं, राजस्थान से कम है। अच्छा अच्छा, तो राजस्थान से आए सभी मित्रों को खूब खूब नमस्कार। कितने लोग हैं जो केवल गुजरात से, बहुत बढ़िया। कितने लोग जो राजस्थान गुजरात के अलावा है, नेचुरली उनकी संख्या, बहुत बढ़िया। तो जिस तरह का समूह है और जिस तरह का ये प्रांगण है, निश्चित ही 8 दिन में मैं आप सबको एक भरोसा दिलाता हूँ, विशेष रूप से वो लोग जो, अच्छा कितने लोग हैं जो पहली बार शिविर कर रहे हैं, पहली बार, बहुत बढ़िया, खूब खूब आपको धन्यवाद। देखिए आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ, भरोसा यह है कि आपने भी अपना 7 दिन निकाला है, इस टीम ने भी, आगेवाल जी एंड टीम ने भी जिस श्रम के साथ में चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है सभी काबिले तारीफ है। लेकिन इन 7 दिन की यात्रा में मैं उसकी कुछ शर्तें बताऊंगा। आजकल कोई भी जो बात कही जाती है ना तो उसमें स्टार लगा हुआ होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि हम सुन पाए, क्योंकि सुन पाना एक बड़ी घटना है। मैं कुछ कहता रहूँगा आपको अपने घर की लड़ाई याद आ जाएगी, सास बहू की, भाई भाई की, देरानी जेठानी की। मैं कुछ कहता रहूँगा आपको बिजनेस याद आ जाएगा। मैं कुछ कहता रहूँगा कोई पीड़ा पुरानी 10 साल पहले कोई घटना घटी थी वो उभर के आ जाएगी।
तो मैं कुछ कहता रहूंगा लेकिन आप अपनी घटना के साथ में चलते रहेंगे, तो इसका मतलब है कि सुनना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ऐसे में सुनना हो पाएगा? जोर से बोलो, ऐसे में सुनना नहीं हो पाएगा। तो कंडीशन अप्लाइड होगी, तो कंडीशन होगी कि यदि सुन पाए तो, और मैं कुछ कहता रहूंगा, आप ओशो से कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे, आप किसी और महापुरुष को आपने सुना है उससे कंपेयर करना शुरू कर दोगे, फिर जब आपके मन की बात आएगी तो आपको लगेगा कि ठीक बात हो रही है, और जब आपके मन की बात नहीं आएगी तो आपको लगेगा ये बात ठीक नहीं हो रही। होता ही है। तो इसका मतलब है कि आप किन्हीं दो महापुरुषों को कंपेयर कर रहे हो, इसमें आपका तो उद्धार होने वाला नहीं है। तो दो तीन बातें कहना चाहूँगा कि सुन पाए तो, 7 दिन यदि आप हॉल में बोर्ड के साथ साथ चलते रहे तो आपकी अभी तक की जिंदगी एक तरफ और ये 7 दिन एक तरफ। सुन पाए तो, मैं कुछ कहता रहूंगा, आप पत्नी की तरफ देखना शुरू करोगे या पत्नी को याद करोगे, उसको सुनना चाहिए था, ये उसके काम की बात थी। भौतिक जगत में आदमी स्वार्थी होता है, और परमार्थिक काम में वो परमार्थिक ही होता है, परोपकारी होता है। तो अच्छी चीज़ पहले दूसरे को मिले तो सभी पतियों को लगता है कि पत्नी शिविर में चली जाए, क्योंकि वो ठीक हो गई तो घर ठीक हो जाएगा, और पत्नी को भी ऐसी लगता है। तो इसका मतलब है कि इस शिविर की जो शर्तें हैं वो ये हैं, किसको सुनना है? मुझको सुनना है। किसके लिए सुनना है? मेरे लिए सुनना है। तो ना पति के लिए सुनना है, ना पत्नी के लिए सुनना है, ना ऑफिस में बॉस। कुछ लोग जब कोई अच्छी बात आएगी तो लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे कि अगले शिविर में किस किस को लेके आना है, तो ऐसा भी नहीं करना है। कुछ लोग आए ही इसलिए हैं कि अपने विद्यालय को कैसे बदल देंगे, इसको भी नहीं करना है। तो ना विद्यालय बदलना है, ना समाज बदलना है, ना घर के लोगों को बदलना है, किसको बदलना है? एक और संदर्भ कहना चाहूँगा। देखिए, हम में से अधिकांश लोगों की जर्नी अलग अलग है। कुछ लोगों का खुशी तब आता है जब परिवार पे चर्चा होती है, संबंध पे चर्चा होती है, तो उन लोगों को लगता है कि अब काम की बात हो रही है। कुछ लोगों का जर्नी वश जो प्रायोरिटी है, जो फोकस है, वो समाज है। जब तक समाज परिवर्तन की कोई बात नहीं होती है, वो संभावना उनको नहीं दिखाई देती है, तो उनको लगता है कि अभी काम की बात नहीं हो रही है। कुछ लोगों का जो फोकस है वो अध्यात्म है। जब तक ईश्वर परमात्मा कहाँ से आ गया, ये सब कैसे चल रहा है, कि चलाने वाला कौन है ना, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, तो कुछ का फोकस ऐसा भी है। जब तक इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी तो उसको लगता है कि मेरे काम की बात नहीं हो रही है, या मेरे खुश होने लायक का स्थिति अभी नहीं आया है। तो कुछ लोगों का ओरिएंटेशन आध्यात्मिक है, कुछ लोगों का ओरिएंटेशन सामाजिक है, कुछ लोगों का ओरिएंटेशन पारिवारिक है। ऑफ कोर्स इस तरह की सभाओं में आर्थिक ओरिएंटेशन की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन आर्थिक ओरिएंटेशन भी यहाँ आएगा समय के साथ साथ। उस पर भी बात करेंगे कि हमारे परिवार में किस तरह से कोई मानसिक गरीबी ना रहे और भौतिक गरीबी भी ना रहे, इसके लिए भी क्या किया जाए। तो इस रूप में कहूँगा कि आखिर ये आध्यात्मिकता को चाहने वाला कौन है? आध्यात्मिकता को चाहने वाला कौन है? मैं, मानव। सामाजिकता को चाहने वाला कौन है? बोला करो, मैं। पारिवारिकता को चाहने वाला कौन है? और मोक्ष को चाहने वाला कौन है? और राजनीति ठीक हो जाए इसको चाहने वाला कौन है? समाज ठीक हो जाए इसको चाहने वाला कौन है? और मेरा क्या तेरा क्या होगा कालिया। तो इससे एक बात ध्यान चला गया कि जितनी भी हम चाहे आध्यात्मिक जीवन की बात करें, चाहे सामाजिक जीवन की बात करें, उसके मूल में मानव है। तो एक तरफ हम ईश्वर और आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ हम भौतिकता में बहुत डूबने की कोशिश कर रहे हैं,
इन दोनों से मन उबता है तो लगता है समाज में कुछ कर लें, उस बहाने हमारी पहचान सम्मान सुनिश्चित हो जाए, लेकिन अंततः इन सब को चाहने वाला, इन सब को करने वाला, इस सब में जो भी फल आता है उसको भोगने वाला तो मैं ही हूँ। तो मानव के बारे क्लैरिटी नहीं बनेगी, मानव के बारे समझ नहीं बनेगी, तो हम कितने भी बाहर घूमेंगे तो बात तो नहीं बन रही है। तो इस चर्चा में जितनी बात मैंने अभी तक कही उसमें 3-4 संदर्भ मैंने कहने की कोशिश की है। क्या कहने की कोशिश की है? सुनने वाला कौन, समझने वाला कौन, उसके फल परिणाम को भोगने वाला कौन, समझना किसको है, ठीक, ऐसी यात्रा को, और क्या क्या नहीं करना है, घर के बाकी लोगों को नहीं सुधारना है, घर के बाकी लोगों को नहीं सुधारना है, समाज को नहीं सुधारना है, ठीक है, और राजनीति को ठीक नहीं करना है, समाज को ठीक नहीं करना है। यहाँ से यात्रा शुरू होगी, फिर वो सब पूरा होगा जो आपने हो सकता अभी तक नहीं भी सोचा होगा या नहीं भी आपके ध्यान में आया हो। आशा करता हूँ ये 7 दिन श्रीनाथ जी के आशीर्वाद की छाया में, राजस्थान की वीरभूमि में, मेरा शुरू से ही, मैं बेसिकली वेस्टर्न यूपी का दिल्ली के पास का रहने वाला हूँ, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास के इलाके को NCR बोलते हैं, NCR में जन्म हुआ है, कुछ शिक्षा वहाँ हुई है, कुछ शिक्षा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह में हुई है, लेकिन NCR को मैंने दिल्ली के आसपास के इलाके को जिस तरह से परिवारों को टूटते हुए देखा, जिस तरह से समाज को टूटते हुए देखा, काफ़ी एक मन में पीड़ा थी कि जिस तरह की एक अच्छे परिवार की कल्पना, एक अच्छे समाज की कल्पना हम सब मिलके करते हैं, वो तो लगातार टूटने के कगार पे है और उसको बचाने का भी कोई ठोस तरीका समझ में नहीं आता है। आज मोबाइल जैसी चीज़ें हम सबकी जेब में हैं, संसार में जो कुछ भी अच्छे से अच्छा है और बुरे से बुरा है वो एक बटन के क्लिक पे उपलब्ध है, और क्या देखा जाएगा वो आपको भी मुझको पता है, मुझको भी पता है। इन सारे प्रयासों में कैसे हम संस्कार की बात कर पाएंगे, कैसे हम समाज और परिवार की बात कर पाएंगे, तो मेरी यात्रा लगभग, अभी मेरी एज 54 है, तो मेरी यात्रा 23 में शुरू हुई, 21 में इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब किया, 21 एंड हाफ में 3-4 साल जॉब किया। मैं इस संदर्भ में अभी ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और मेरे सभी मित्र इस बात को देश और विदेश में बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के शेयर करते हैं। हमारे आने जाने का खर्चा भी आपके ऊपर नहीं होता है, आप जो भी अपने भोजन का खर्चा पे करते हैं वो एज ऑन एक्चुअल, उसमें से कोई भी व्यक्ति 1 रुपया भी अपनी जेब में नहीं ले जाएगा, एज ऑन, बल्कि अपनी जेब से उसमें डाला जाएगा, क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट्स में से सभी लोग अपना पूरा भोजन का, आवास का, जो भी कुछ व्यय आता है एज ऑन एक्चुअल उसको कर पाते हैं, ऐसा कभी नहीं भी होता है। जो कम पड़ता है वो आयोजक टीम अपनी जेब से पूरा करती है। इस पूरे कार्यक्रम में किसी भी तरह की सामाजिक फंडिंग, किसी भी तरह की सरकारी फंडिंग नहीं है। कुछ बातें मैं इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ताकि जब हम आगे 7 दिन चल रहे होंगे और बहुत सारी बातें आगे बढ़ रही होंगी तो आधार हमारे बीच में स्पष्ट रहेगा, उतनी साफ बात हम कर पाएंगे। तो यदि हम और हमारी टीम इसको बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के करती है, आने जाने का किराया भी स्वयं में या अपने मित्रों के बीच में रहता है, वो पार्टिसिपेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनता है, तो इस काम को हम क्यों करते हैं, ये एक सवाल खड़ा होता है। ऐसा सवाल आप लोग के मन में आता है ना? तो इस काम को हम क्यों करते हैं? तो छोटी सी 2-3 मिनट की शेयरिंग कर दूं ताकि ये क्लैरिटी हो जाए कि हम इस काम को क्यों करते हैं। जैसे मेरी जर्नी मैंने शेयर किया कि 89 में मेरा इंजीनियरिंग पास आउट है, 3 साल अमेरिकन एम्बेसी, नेल्को, टाटा वगैरह में जॉब किया। जॉब करके ये क्लैरिटी बनी कि ये 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है, मैं किसान का बेटा हूँ, छत और रोटी घर में उपलब्ध है। जिंदगी को कुछ बड़े आयाम में देखा था, कुछ जिंदगी के लिए बड़े सपने देखे थे। जॉब में आए तो पता चला ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं हो रही है जितना बड़ा हमने सोचा है, तो क्या किया जाए, क्या सोचा है ये भी पता नहीं था।
क्या करना है ये भी पता नहीं था, पर ये जो चल रहा है ये दो वक्त की रोटी का जुगाड़ है, इसको 30 साल 35 साल नहीं ढोया जा सकता। कहीं से मन में दो बातें गांधी जी को पढ़ के आईं या कहीं से आईं, दो बातें मन में ठहर गई, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। ये इतना बड़ा कांटा होगा पता नहीं था एक युवा के मन में, जो जिंदगी की उड़ान, जिंदगी के सपने देखने का एक तरीका होता है, कहीं से कोई चीज़ मन में अटक गई। अब नौकरी करी तो उसमें झूठ बोलना पड़ता है, फिर सोचा कि अपना काम कर लेते हैं शायद उसमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, तो पता चला उसमें ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है। आप सब बिजनेसमैन हैं और यहाँ अधिकांश लोग बैठे गवर्नमेंट ऑफिस से भी हैं और व्यापार से भी हैं और सभी तरह के लोग हम मौजूद हैं। कोई व्यापार बिना झूठ बोले होता नहीं, बिना चोरी किए होता नहीं, कोई टैक्स की चोरी होगी ही, ना चाहते हुए भी हमारे सरकारी नियम कानून ऐसे हैं कि हमको ना चाहते हुए भी बहुत कुछ नंबर एक नंबर दो सब करना पड़ता है। तो ये सब में ये निकला कि ये सब में यदि चोरी नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है तो बहुत मुश्किल है समाज में चल पाना। 3 साल चलने की कोशिश की, तमाम असफलताओं को भोगने के बाद ये तय किया कि हम लोग इस पढ़े लिखे समाज में जीने के लायक नहीं हैं, क्योंकि इसमें रहना है तो झूठ और चोरी करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, सुसाइड करने का मन नहीं था क्योंकि शादी हो चुकी थी, एक बच्चे का बाप था। तो फाइनली तय किया कि चलो, संयोग हुआ कि गायत्री परिवार के माध्यम से कुछ मित्रों से मुलाकात हुई, जो बस्तर आदिवासी ट्राइबल बेल्ट जो आजकल छत्तीसगढ़ कहलाता है, पहले मध्य प्रदेश था, वहाँ काम करते थे। तो उन्होंने आदिवासियों के बारे में कुछ कुछ बताया, सुन के बड़ा ऐसे लगा जैसे कोई एलियन, कोई दूसरे ग्रह के वासी हमारी धरती पर रहते हों, क्योंकि दिल्ली की जीवन शैली में जीते हुए जब आदिवासियों के बारे में सुनते हैं कि कपड़े नहीं पहनते हैं और चींटी की चटनी खाते हैं और है ना तमाम तरह की बातें सुनते हैं, तो ऐसा लगता है ये मेरे देश में कैसे हो सकता है। 93 में मैं देखने गया बस्तर छत्तीसगढ़, उस समय मध्य प्रदेश था, 95 की बात है, और धीरे से फिर तय किया कि आदिवासियों के बीच रह के ज़िंदगी बिताई जाए, क्योंकि यहाँ ना इनकम टैक्स वाला आएगा, ना सेल टैक्स वाला आएगा, ना एक्साइज वाला आएगा, ना नंबर एक होगा, ना नंबर दो होगा, किसी गांव में रहेंगे, फंडिंग लेना नहीं है, मेरे देश के गांव इतने गरीब नहीं हैं और मैं इतना अनुपयोगी नहीं हूँ, किसी गांव में भी रह जाऊँगा, बिना फंडिंग के रहना है। कहानी लंबी है, शॉर्ट में कह रहा हूँ। वहाँ एक अद्भुत घटना घटी, एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई, ये एक संयोग था कि मैं दिल्ली छोड़ के अपने 2.5 साल के बेटे को लेके छत्तीसगढ़ शिफ्ट हुआ। ये एक सुखद संयोग था कि उसी समूह में आदरणीय नागराज जी, जिनके माध्यम से ये अनुसंधान हुआ कि यदि हम एटम को और सेल को और फिजिक्स को और केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को और जूलॉजी को और बॉटनी को, एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोलॉजी को क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्या जिंदगी को क्लासरूम में लाने की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है कि नहीं? तो जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है उतने ही ऑथेंटिक तरीके से, जिस तरह से हम एटम और सेल को पढ़ते हैं उसी तरह से जिंदगी को भी पढ़ा जा सकता है। ये एक अद्भुत अनुसंधान आदरणीय ए नागराज जी के माध्यम से हुआ। आदरणीय ए नागराज जी मूलतः साउथ के रहने वाले थे, मैसूर, और अपने में वो उस परंपरा में से थे जिनके उनके मामा परिवार में शंकराचार्य को तैयार करने का काम होता, शंकराचार्य को जो ट्रेनिंग दी जाती है, तैयार किया जाता है, वो उनके मामा परिवार में होता था। आदरणीय शंकराचार्य जी लगभग 30 साल की उम्र के पहले वेद में मंत्र लिखने के अधिकार से संपन्न व्यक्ति साउथ की परंपराओं के हिसाब से थे, लेकिन उनके मन में कुछ मौलिक प्रश्न उठे जिनका उत्तर वेदांत में नहीं था, वेद में नहीं था। तो उन्होंने उस समय जो वेद परंपरा के दिग्गज लोग थे, वेदांत के दिग्गज लोग थे, उनसे बात करना शुरू किया। प्रश्नों के उत्तर बहुत संतोषजनक नहीं मिले तो उस समय के शंकराचार्य जी ने उनको आदेश किया कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर समाधि में होता है, तो तुमको समाधि करना होगा। शॉर्ट में कह रहा हूँ, विस्तार में कभी जाने की आवश्यकता होगी बाद में देख लेंगे। तो आदरणीय नागराज जी 1950 में साउथ से उठ के अमरकंटक मध्य प्रदेश, सभी लोग जानते होंगे अमरकंटक मध्य प्रदेश,
सभी लोग जानते हैं। वहाँ आए और 20 साल 12 घंटे रोज एक आसन में जो आगम तंत्र उपासना विधि से उन्होंने समाधि के लिए प्रयास किया और लगभग 1968-70 के आसपास उनको समाधि हुआ। समाधि में उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। समाधि के समय में प्रश्न ही गायब होता था, वापस लौटते थे तो प्रश्न फिर खड़ा था, तो शंका हुआ कि समाधि हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी क्रम में जो आगे उन्होंने प्रयास किया तो पूरा अस्तित्व जैसे टीवी हमारे सम्मेरे मन में प्रश्न आते रहे और जैसे टीवी चलता है ऐसे पूरा अस्तित्व का जर्रा जर्रा उन्होंने अस्तित्व में देखा। क्योंकि वो अपने ही उत्तर की तलाश में निकले थे, कोई समाज उद्धार के लिए नहीं निकले थे। लेकिन आयुर्वेद का ज्ञान उनके पास था, जो लोग इलाज कराने के लिए आते थे उनसे चर्चा करते थे। चर्चा करने के क्रम में लोगों ने कहा कि आप कुछ बहुत अलग बात कह रहे हो, कुछ बहुत हटके बात कह रहे हो, कुछ बहुत बढ़िया बात कह रहे हो, इसको लिखने की ज़रूरत है, इसको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे फिर उस पर काम आगे बढ़ा। 93 में IIT दिल्ली में आदरणीय नागराज जी का जाना शुरू हुआ और जहाँ से ये धारा शैक्षणिक स्वरूप ले गई। देखिए, हम सभी लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि मैकाले ने हमारी शिक्षा को ख़राब किया और ये मैकाले की दी हुई शिक्षा है ना क्या करती है। लेकिन 75 साल हो गए हमको आज़ाद हुए, मैकाले को मरे हुए 150 साल हो गया, अब हम क्यों अपनी शिक्षा को बदल नहीं लेते। इसका मतलब है यदि कोई चीज़ का विकल्प नहीं है तो किसी चीज़ को गलत कहना एक बात है, ये भी अच्छी बात है। ओशो ने और तमाम बड़े महापुरुषों ने शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहने की कोशिश की, शिक्षा की तमाम कमियां हम लोग पहचानते रहे। और कोरोना काल के पहले हायर एजुकेशन का पिरामिड पहले से ही गिरा हुआ था, स्कूल एजुकेशन का पिरामिड भी गिर गया, स्कूल एजुकेशन का जो सम्मान हमारे मन में था। लेकिन अपने बच्चों को आखिर कहाँ भेजेंगे। 20 साल पहले जब हम स्कूल एजुकेशन के लिए कुछ समीक्षा करते थे तो सभा में से कोई ना कोई खड़ा हो ही जाता था और वो बोलता था कि नहीं ऐसा नहीं है। अब इन 20 साल बाद देखते हैं तो अब कोई खड़ा नहीं होता है, सबको लगता है कि हाँ शिक्षा में कुछ कमियाँ हैं। शिक्षा की अच्छाइयों के बावजूद शिक्षा में कुछ कमियाँ हैं। कितने लोगों को यहाँ सभा में लगता है कि यहाँ शिक्षा में कमियाँ हैं, अब सभी को लगता है। ये 25 साल पहले ऐसा नहीं था। तो दोस्तों, शिक्षा में कमियां हैं लेकिन उसका विकल्प क्या हो। जॉब छोड़ने के बाद तमाम गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी, तमाम बहुत सारी संस्थाओं के साथ में जुड़ना हुआ और जुड़ के मैं हर जगह यही पूछता था कि भाई क्लासरूम में क्या पढ़ाया जाए ये बताओ, क्लास 1 में क्या दें, 3 में क्या दें, 5th में क्या दें, 10th में क्या दें, ताकि जिस तरह की शिक्षा हम चाहते हैं, जो कुछ रिजल्ट हम समाज में देखना चाहते हैं उसके ऊपर काम हो सके। तो दोस्तों, उपदेश हैं, अपेक्षाएं हैं, लेकिन ठोस कंटेंट की जब बात करेंगे तो साइंस उसमें है, उसको आप बदल नहीं सकते, मैथमेटिक्स है, उसको आप बदल नहीं सकते। इन तमाम चीज़ों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, हमारी सोशल साइंसेस या हमारी मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आखिर इन सब चीज़ों को पढ़ के हम बड़े होते हैं, क्या फंडामेंटल चेंज किए जाएँ। तो दोस्तों, आपको भरोसा दिलाता हूँ 7 दिन की यात्रा के दौरान इसको देखेंगे। जहां साइंस रुकता है वहां से ही अनुसंधान शुरू होता है। जहां से हमारे पास हमारी वर्तमान पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं के बहुत ठोस समाधान नहीं है, उसके ठोस समाधान हमको यहां उपलब्ध होते हैं। समय के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। शिविर का चलने का तरीका प्रवचन नहीं होगा। कैसा होगा? प्रवचन नहीं होगा, ये कथा नहीं है। क्या है? कथा नहीं है, क्लासरूम है। क्लासरूम में कैसे चलता है? संवाद चलता है। तो क्या क्या नहीं किया जाएगा क्लासरूम में, वो मैं पहले आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहेगा कि क्या क्या नहीं किया जाएगा। ये कैमरामैन कहाँ पे हैं? हाँ, नमस्कार आपके लिए। हाँ, आप मेरे को फोकस नहीं करोगे, कैमरा इसलिए लगाया है, बोर्ड इसलिए लगाया है कि ये बोर्ड पे जब मैं लिखूँगा वो छोटा रहेगा और पीछे जो लोग बैठे हैं उनको दिखाई नहीं देगा। तो कैमरा और बोर्ड की ज़्यादा उपयोगिता इसलिए है कि जो लिखा हुआ रहेगा,
जिस समय जो टॉपिक चल रहा होगा उसको आप विस्तार से करके दिखाते रहे। तो क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसका एक भाग ये है कि कोई भी चीज छोड़ने के लिए आपसे नहीं कहा जाएगा। चाहिए शब्द का एक बार भी उपयोग नहीं होगा, किसी भी तरह का उपदेश नहीं दिया जाएगा, कुछ भी मानने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये चार काम नहीं करेंगे। कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? ये चार काम आप लोग अपने घर में नहीं करोगे तो क्या करोगे? देखा, मेरी बारी में हाँ कर रहे थे, अपनी बारी में हंसने लगे। ये चार काम आपको अपने घर में नहीं करना है। किसी से कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहना है। चाहिए शब्द का उपयोग एक बार भी आपकी भाषा में ना हो। आठ दिन मेरी एक बार की, एक बार भी मेरी भाषा में चाहिए शब्द का उपयोग नहीं होगा, एक बार भी। कोई उपदेश नहीं होगा, ये करो ये नहीं करो, चार बजे उठो, ऐसा नहीं कहा जाएगा। और किसी भी बात को आपसे मानने के लिए कोई आग्रह नहीं है। ये मानो, आपको ऐसा करना है, ये मानना है, ऐसा भी नहीं कहा जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? ये हो गया कि मैं क्या नहीं करूंगा, ये ठीक हो गया। ये हो गया कि मैं क्या नहीं करूंगा, आप क्या नहीं करोगे? ऐसे थोड़ी एक तरफा नहीं चलेगी ना सभा। आप क्या नहीं करोगे? देखिए, दो सूत्र लिख रहा हूं। समझना, समझना स्वयं में होता है, दूसरे के ऊपर भड़ास निकाली जाती है। समझना, जब भी समझने की घटना घटती है वो स्वयं में होती है, दूसरे के साथ नहीं होती है। इसलिए दूसरे की चर्चा बंद, दूसरे की कोई चर्चा नहीं। मैं समझा हूं, इस बात का प्रमाण क्या होगा? मेरे को कोई चीज समझ में आई है तो इसका प्रमाण क्या होगा? जैसे मुझको हिंदी आती है तो इसका प्रमाण क्या होगा? मैं दूसरे को सिखा सकता हूं, मैं हिंदी बोल सकता हूं, आप सीखना चाहते हो मैं आपको सिखा सकता हूं, आप हिंदी सीख पाए इसका प्रमाण क्या होगा? मैं आपको हिंदी सिखा पाया इसका प्रमाण क्या होगा? आप बोल पाओ और आप तीसरे को सिखा पाओ, तो आप तीसरे को सिखा पाए तो आप सीख पाए, आप सीख पाए तो मैं सिखा पाया। कैसा, ठीक है बात, ठीक है बात, ठीक है बात? इसका अर्थ यह हुआ कि मैं कोई चीज को समझा तो उसका प्रमाण होगा जीना, जीना परिवार में होता है, बस इससे आगे की दुनिया नहीं है। यदि कोई चीज हमको समझ में आई तो समझने का प्रमाण परिवार में होता है। जब परिवार की बात कर रहे हैं तो केवल ब्लड परिवार की बात ही नहीं कर रहे हैं, आपके मित्र परिवार भी उसमें शामिल है। ठीक हो गया? आप क्या नहीं करोगे, एक तो इसमें, इसमें फिर नीचे की सारी बात आ गई। आप क्या नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप तुलना करने का काम नहीं करेंगे किसी दूसरे विचार से, किसी दूसरी फिलॉसफी से तुलना करने का काम नहीं करेंगे। जब मैं बोल रहा हूं अच्छा ओशो ने भी ऐसा ही कहा है, तो अभी आप ठीक बोल रहे हो, और जब मैं कुछ कहूंगा और वो आपसे मैच नहीं करेगा तो आपको लगेगा कि अभी ये ठीक नहीं चल रहा है, तो आप तुलना नहीं। मैंने पहला शर्त आपको कहा है कि हम सुन पाए। सात दिन में रिजल्ट आने का मतलब है कि आप सुन, रिजल्ट प्रोड्यूस करना हमारी जिम्मेदारी है। सात दिन बाद आपको ये लगे कि अभी तक की शरीर यात्रा में जो कुछ भी किया और इन सात दिन में जो मिला है वो उससे ज़्यादा है, इसकी संभावना पूरी पूरी है, बशर्ते कि आप सुन पाएं। तो हम सुन पाएं उसके लिए तुलना का काम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब कोई ना कोई विचार से, आपके पास जो विचार है वो रखा ही रहेगा, है ना? जब हम यहाँ कोई बात हो रही है तो उसको प्योरली सुन पाएं।
मैं कह पा रहा हूँ, आप तक बात पहुँच पा रही है ना? क्योंकि कंपेयर करने की किसी दो विचारों को कंपेयर करने की स्थिति कब आएगी? मान लीजिए इस पूरे विचार को आप वेद विचार के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, इस पूरे विचार को आप ओशो से कंपेयर करना चाहते हैं, ये कंपैरिजन की स्थिति कब आएगी? समझे? जब आपने दोनों को पूरा पूरा समझा है। न्याय कौन कर पाएगा? जिसने दोनों को पूरा समझा है तब वो न्याय कर पाएगा कि क्या कम है क्या ज्यादा है। अभी हमने इसको भी पूरा नहीं सुना है और जो आपने सुना है उसको भी पूरा नहीं सुना है, तो कंपैरिजन से कुछ नहीं निकलेगा। आपके 7 दिन खराब होंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं निकलेगा। तो कोई सी चीज के लिए हम तुलना नहीं करेंगे। दूसरे को सुधारना दूसरे को ठीक करना ये काम नहीं करेंगे। उस काम को परिवार में, तो परिवार को भी नहीं सुधारना है, समाज को भी नहीं सुधारना है, अपने विद्यालय को भी ठीक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये 7 दिन में नहीं करना है। यहां से लौटने के बाद आप जो करेंगे वो आपकी चॉइस है। ये 7 दिन में वही करेंगे जो यहां, ताकि हमारी वो तैयारी हो सके कि हम कुछ कर सकें, नहीं तो एक कान में आएगा दूसरे कान से निकल जाएगा। एक तीसरी घटना और जिस वजह से सुनना नहीं हो पाता है, हमारे पास बहुत सारा बैगेज है। बैगेज का मतलब 20 साल पहले किसी ने आपका अपमान किया था, किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया था जो आपको आज तक दुख देता है। वो घटनाएं हमको लगातार याद आती रहती हैं, खासकर जब हम ऐसी सभा में बैठते हैं, फिर ऐसी स्थितियों में सुनना हो सकता है ना? तो निर्णय पूर्वक इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरे को मेरे 7 दिन का रिजल्ट मेरी जरूरत है, मैंने 7 दिन बहुत मेहनत करके निकाले हैं, सुनील आगेवाल जी ने आपको बहुत तंग किया है, मैं समझ सकता हूं। कितने लोग तंग हुए? कई बार वीडियो आया होगा, कई बार परेशान किए गए हो गए, फिर लास्ट में चलता है पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, चल यार इतनी बार बोला एक बार चल, तो 2 दिन देख लूंगा जाके, काम का नहीं होगा तो फिर 1 दिन बाद नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, जो चित्त में बैगेज है, जो हमारे चित्त पे बोझ है, वो हमको परेशान करता है। वो भूतकाल की पीड़ा, कोई वर्तमान से विरोध, कोई भविष्य की चिंता, लौट लौट के वापस आता है। जो कुछ इस गुजरी हुई जिंदगी में गुजरा है उसका प्रभाव हमारी जिंदगी में इतना ज़्यादा है कि हमारा वर्तमान पे वो हावी है, हमारे भविष्य पे वो हावी है। इस बीच में कोई नई बात सुनने के लिए मिलती है, उसको भी फिर हम सुन नहीं पाते। ठीक हो गया? मैं कह पाया? बात पहुंची? पहुंची तो हाथ उठाओ। इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हो तो बता दीजिए। मैंने 3 बातें कही हैं, सुनना हो सके, सुनना हो पाएगा तो रिजल्ट प्रोड्यूस हो पाएगा। तो किसी विचार से कंपैरिजन नहीं, दूसरे को नहीं सुधारना है, अपने लिए सुनना है, अपने में समझना है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके व्यक्तित्व में बहुत बढ़िया हैं, शानदार हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई दूसरा अप्रिशिएट नहीं करता है। हमारे घर के लोग बोल देते हैं क्या फालतू की बात है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो घर वाले बोलते थे कि स्कूल की किताबों के अलावा और भी किताबें पढ़ना चाहिए, केवल स्कूल की किताबों से काम नहीं चलेगा। जब हमने और पढ़ना शुरू कर दिया, हमने पूछना शुरू कर दिया कि भैया ज़िंदगी का क्या मतलब है, बोले ये कोर्स में नहीं आता है ना? तो कितना पढ़ना है कि कितना नहीं पढ़ना है ये भी पता नहीं चलता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने लिए सुनना है, क्योंकि समझना स्वयं में होता है, समझने का प्रमाण परिवार में होता है। इस रूप में देखेंगे तो ये काम हम नहीं करेंगे। चलिए, इन 7 दिनों में मोटे रूप में कहें तो हमको क्या मिलेगा? बहुत ब्रॉड कह रहा हूं, बाकी तो विस्तार में जाएंगे तो हमारे ध्यान में आएगा।
तो मेरे को लगता है कि दो चीज़ें केवल मैं अभी ध्यान दिला देना चाहता हूँ, ताकि समय के साथ साथ उस पर हमारा ध्यान बना रहेगा कि हम क्या चीज़ पे बात कर रहे हैं। एक तो स्वयं को लेके जो जीवन में अतृप्ति है, मेरे स्वयं को लेके जो जीवन में अतृप्ति है, चाहे वो पैसे का अभाव लगता है, चाहे वो सम्मान का अभाव लगता है, या जो कुछ भी उपलब्धियां हमने पाई हैं। देखिए, मेरे को लगता है कि एक सर्वे हम कर सकते हैं। जो लोग 40 के ऊपर हैं, 40 के ऊपर के लोग हाथ उठाइए, 40 के ऊपर। जब हम 25 के थे, लगभग जब हम 25 के थे, 20 के थे, तो हमने जिंदगी के लिए कुछ सपने देखे थे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20-25 में जब सपने देखे, जब वो सपने पूरे हुए, तो सपनों की हकीकत ने उतना सुख नहीं दिया जितनी कल्पनाओं ने सुख दिया था। जब उन चीजों को पा लिया जिंदगी में, तो वो उतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा सोचा था, है ना? तो ऐसा हम सबके साथ हुआ है। और किसी पॉइंट पे लगता है कि ये पा लेने से हो जाएगा, किसी पॉइंट के बाद लगता है कि ये होने से हो जाएगा, इतना टर्नओवर हो जाए, इतना बड़ा पद मिल जाए, सामाजिक स्थिति ऐसी हो जाए, घर ऐसा हो जाए, गाड़ी ऐसी हो जाए। कितने लोगों की ये सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, जैसा सोचा था वैसा हो गया है। ठीक है, सभा में काफी सारे ऐसे लोग उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी जिंदगी है, कहते ना दिल मांगे मोर, वो कुछ और मांगता है, और क्या मांगता है ये भी समझ में नहीं आता है। तो इसका अर्थ है, सब कुछ पा लेने के बावजूद भी, सारी सफलताओं के बावजूद भी, जिंदगी में जो अतृप्ति है, जो खालीपन है ना, कभी लगता था शादी हो जाए, जिससे चाहते हैं उससे हो जाए तो जिंदगी बन जाए, फिर लगता था कि बच्चे हो जाएं, है ना, वो भी हो जाएं तो वो भी हो गया, अब लगता है कि ये चले जाएं तो मैं जिंदगी शुरू करूं। कभी वो आ जाएं तो जिंदगी थी, आज वो चले जाएं तो जिंदगी है। इसका मतलब ना आना जिंदगी था, ना जाना जिंदगी है। ताली अच्छे से बजा सकते हैं, हाँ ऐसे। इसका मतलब है तृप्ति कहीं और है। ऐसे भी तमाम लोग हैं जो शादी करते ही नहीं हैं, तो उनके यहाँ ना आते हैं ना जाते हैं। भारत में कितना बड़ा वर्ग होगा जो शादी नहीं करता है, है ना? अभी मैं गंगोत्री में शिविर करके आ रहा हूँ, तो गंगोत्री में जब शिविर करते हैं तो एक दूसरी दुनिया सामने आती है। साधुओं की एक बड़ी दुनिया है, सन्यासियों की एक बड़ी दुनिया है, उनके अपने बड़े प्रभाव हैं, उनकी अपनी, है ना, हर 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 संप्रदाय का अपना एक तरीका है। जैसे मान लीजिए जैन समाज है या मारवाड़ी समाज है, उनका भी एक बड़ा समाज है, उसके भी अपने तौर तरीके हैं। और वो बिल्कुल बात करते हैं कि जैसे हमारी एक अलग दुनिया है, गृहस्थों की एक अलग दुनिया है, ऐसे वो भी बात करते हैं। तो इसका मतलब है, स्वयं के लिए जो भी, जिस तरह की भी पीड़ाएं हमारे भीतर है, जिस तरह का भी खालीपन हमारे भीतर है, वो एड्रेस होगा। दूसरा, मुझको लगता है कि एक बड़ी चीज जो तमाम धर्म अध्यात्म विज्ञान के बावजूद हमारे बीच में अपेक्षित है, हम चाहते हैं कि हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए? हमने अपनों से दुख पाया है कि परायों से पाया है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। हाँ, अपनों से। ये अपने आप को दुख देना चाहते हैं कि सुख देना चाहते हैं? आप अपनों को दुख देना चाहते हो कि सुख देना चाहते हो? ये अपने सुख पाने के लिए बनाए थे कि दुख पाने के लिए बनाए थे, है ना? तो इसका मतलब है एक बड़ा काम, हमने इंजीनियरिंग किया, हमने मेडिकल साइंस किया, हम IAS हो गए, हम बहुत पैसे वाले हो गए, हमने बड़ा पद पा लिया, है ना, हमने बहुत धर्म किया, जाप किया, तप किया, इसके बावजूद भी जो एक बात शेष है, वो अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक
जीने की योग्यता। अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। मैं बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हूं, तो कंप्यूटर को देख के जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, लेकिन घर में पत्नी के साथ जब कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो कंप्यूटर के साथ वाला कॉन्फिडेंस लेवल अलग है, और जब पत्नी के साथ कुछ होता है तो उस समय मामला अलग है। जैसा कॉन्फिडेंस मेरे को कंप्यूटर को लेके है, वैसा कॉन्फिडेंस मेरे को भाई के साथ कम ज़्यादा हो गया। बंटवारे परिवारों में कब हुए हैं, जब पैसा पर्याप्त रहा कि गरीबी रही? पर्याप्त था। जब खुशी मनाने के दिन आए तब हम टूट गए। तो गरीबी में परिवार नहीं टूटे, जब परिवारों में पैसा आया तब परिवार टूटे। इससे ये समझ में आया कि जब हम साथ थे तो क्यों साथ थे। आप देख लीजिए, जॉइंट फैमिली आपको दो ही जगह मिलेगी, या तो किसान के यहां मिलेगी या बिजनेस फैमिली में मिलेगी। भारत में जॉइंट फैमिली आपको दो ही जगह मिलेगी, या तो किसान जॉइंट फैमिली के रूप में मिलेगा या बिजनेसमैन जॉइंट फैमिली के रूप में मिलेगा। ऐसा क्यों है? एक ही जगह है कि कुछ और भी कारण है? और भी कारण है। क्या कारण है? फिर से बोलो, माइक दो इनको। माइक, कितने माइक उपलब्ध हैं अपने पास? चार माइक हैं जी। किसानों के पास सर उतना पैसा नहीं होता है, तो जैसा आपने कहा है कि पैसा कम होता है तब लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो फैमिली टूटने लगती है, तब उसमें जो है ये होता है कि हाँ भाई ये मेरे इतना हिस्सा मेरा होना चाहिए, उतना हिस्सा तुम्हारा होना चाहिए। हाँ जी, लेकिन मामला कुछ और था। मामला इतना था कि भारत में जॉइंट फैमिली बिजनेस फैमिली में मिलती है या किसान फैमिली में मिलती है, ऐसा क्यों है? हाँ जी, पीछे दो हाथ खड़े हैं, इधर एक बहन जी। हाँ, अब बोलते बोलते अपना परिचय भी देते जाइए। मैं मंजू खेरवा हूँ और सिरसा हरियाणा से आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, सुनील खेरवा। नमस्ते भैया जी। और हमने कई सीवर किए हैं और मेरे हस्बैंड अध्ययन कर रहे हैं अभी। और जैसे भैया ने किया जॉइंट में, वो किसान क्यों, दोनों ही बिजनेस ऐसे है कि उनको डिपेंडेंसी, मदद चाहिए एक दूसरे की, ये मुख्य बात जी। मैं संजय आहूजा जयपुर से आया हूँ। मैं भी वही बात कहना चाह रहा हूँ कि दोनों की रिक्वायरमेंट है, किसानों की और बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट की वजह से, अपनी नीड की वजह से वो जॉइंट में है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आपने सटीक कहा कि किसान को भी ऐसे लोगों की, ज़्यादा हाथों की ज़रूरत है जिनको पैसा ना देना पड़े, घर फ्री में उपलब्ध हो। तो फ्री में घर के ही लोग उपलब्ध हो सकते हैं। और जब कोई भी बिजनेस खड़ा करते हैं या कोई भी बिजनेस जब चलता है तो भी विश्वसनीय लोगों की ज़रूरत है, अपने लोगों की ज़रूरत है। तो देखा जाए तो हमारी जॉइंट फैमिली हमारी व्यवसाय की आवश्यकता के कारण ज़्यादा है या किसी गहरी समझदारी के कारण ज़्यादा है? हमारी व्यवसाय की आवश्यकता के कारण ज़्यादा है। आस्था ने उसको लंबे समय तक टिकाए रखा, आस्था ने उसको लंबे समय तक टिकाए रखा। जैसे जैसे विज्ञान युग आया, तर्क का विकास हुआ, भोगवाद आया, साधन आए, तो भोगने के लिए, और तो फिर जॉइंट फैमिली बाधक है। मैं फल लेके जाऊं और पूरे परिवार में सबके लिए लेके जाऊं, मेरे को फिल्म देखने जाना है, पूरी जॉइंट फैमिली में कैसे जा सकता हूं? मेरे को सिंगापुर घूमने जाना है, पूरे परिवार को कैसे लेके जा सकता हूं? तो फिर अकेले लेना ठीक लगता है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हैं तो एक बात पर ध्यान हमारा चला गया कि व्यवसाय की आवश्यकता के चलते हमने जॉइंट फैमिली की महिमा को पहचाना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ, राजस्थान के बारे में मुझको बहुत गहरा पता नहीं है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र का मैं रहा हूं इसलिए वहां की बात कर सकता हूं, जॉइंट फैमिली बहुत तेज़ी से टूटी है, और न्यूक्लियर फैमिली है ना, और उसमें भी अब तो जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली पहले बोलते थे
अब वो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिली है। अभी न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है कि हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया है, हस्बैंड बच्चों के साथ रहता है या वाइफ बच्चों के साथ रहती है, इसका नाम न्यूक्लियर फैमिली है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखेंगे तो जो मैंने एक बात बोर्ड पे लिख दिया है कि हमारी बड़ी अपेक्षा है कि अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जी सकें, इसके लिए क्या योग्यता हो, कंप्यूटर के साथ जीने की योग्यता, मशीन के साथ जीने की योग्यता, शासन प्रशासन की योग्यता के लिए हमारे पास 25-25 साल की एजुकेशन है, लेकिन अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जी सकें इसके लिए क्या किया, इसकी आवश्यकता है कि नहीं, इसकी आवश्यकता है कि नहीं। आपका माइक बहुत बढ़िया है, आपके माइक सिस्टम को धन्यवाद। अक्सर ना बाहर जाके माइक से जूझना पड़ता है, तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, कहाँ थे, कहाँ बात हो रही थी, जीने की योग्यता। तो एक बात ये कि स्वयं में जो बेसिकली स्वयं में जो अतृप्ति है, स्वयं की जो अयोग्यता है, वही जीने के रूप में परिवार में जीने, इसका मतलब कमी अपनों में है कि कमी स्वयं में भी है। तो स्वयं की कमी संबंध पे रिफ्लेक्ट होती है, इस बात को हम देख सकते हैं। दूसरा, मेरे को लगता है कि एक बात और रख देता हूँ, अभी हमारी भौतिक आवश्यकताएं हम तय करते हैं कि पड़ोसी तय करता है, पड़ोसी या पड़ोसन, घर कैसा होगा, मैं घर कैसा बनाऊंगा, मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि उसके बाजू में एक नर्सिंग होम भी बनाऊंगा। नर्सिंग होम क्यों, जितने लोग मेरे घर के सामने से लिख के निकलेंगे उसमें से अधिकांश देख के बेहोश हो जाएंगे, तो उसके लिए मेरे पास नर्सिंग होम की व्यवस्था भी रहेगी। तो मेरा घर ऐसा हो कि सामने से देख के निकले तो आदमी बेहोश हो जाए, और मैं इतना मानवतावादी हूं कि उसके लिए नर्सिंग होम भी साथ में बनाया है। तो दोस्तों, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं को तय कर सके, उसका निर्धारण कर सके, क्या ऐसी योग्यता अपने परिवारों में दिखाई देती है? दूसरों से प्रभावित हुए बिना आपकी गाड़ी, आपकी साड़ी, आपका मकान, कोई एक को लगता है कि पर्याप्त है तो पत्नी को लगता है नहीं, पड़ोसी को देखो तुम्हारे जैसा है, या पति को लगता है पर्याप्त है तो पत्नी को नहीं लगता है, पत्नी को लगता है तो पति को नहीं लगता है, दोनों को लग जाए तो बच्चों को नहीं लगता है, और आपको लग गया तो आपके रिश्तेदारों को नहीं लगता है, भाई साहब गाड़ी कब बदलोगे, इतने साल हो गए, भाई साहब कुछ और भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर बदल नहीं पा रहे हैं। जो समझ लेते हैं वही हंस पाते हैं। इसका मतलब है दूसरों से प्रभावित हुए बिना, दूसरों से प्रभावित हुए बिना एक परिवार अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, ऐसी योग्यता का विकास अर्थशास्त्र में 10 पीएचडी करने के बाद नहीं होता है। ऐसी योग्यता का विकास अर्थशास्त्र में 10 पीएचडी करने के बाद नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है जीने की जगह में अर्थशास्त्र हमको मदद नहीं कर पा रहा है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना। और जिन भी जातियों में मोटा पैसा आया है उन्होंने दूसरे समाजों के लिए जीने के बेहतर राह दिखाई हैं या परेशान होने की राह दिखाई है? जोर से बोलो, आप ही हो। आओ, शादी और मकान ऐसा करना है
बस ज़िंदगी भर की सारी मेहनत शादी और मकान में जानी है। तो मारवाड़ी समाज अपने आप में अग्रणी समाज है, बहुत क्षमतावान समाज है, लेकिन सही अर्थों में दूसरे समाजों को रास्ता दिखाया है या कहीं और ले गए हम? जिन समाजों में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी उनके यहाँ भी उस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि समाज में क्षमता है, लेकिन क्षमता का सदुपयोग किस दिशा में हो ये तो सोचने की जरूरत है। दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें या किसी भी महापुरुष को पढ़ें, उसको पढ़ने से हमारे भीतर अच्छा जीने का उत्साह आता है, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की तमन्ना पैदा होती है। लेकिन मेरी परिस्थितियों में और मेरे परिवार की मनस्थितियों में मैं एक लंबी उड़ान भर पाऊं, क्या इसकी योग्यता उपलब्ध हो पा रही है? इसका मतलब है कि मोटिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दो अलग अलग बातें हैं। मोटिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क है, कौन बोलेगा? मोटिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क है? हाँ जी, माइक। मोटिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, परिचय देते जाइए। हाँ सर, मोटिवेशन टेम्पररी रहता है और ट्रांसपेरेंसी लाइफ टाइम के लिए रहती है। तो एक तो अंतर आपने बताया कि मोटिवेशन टेम्पररी है, ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट है, बढ़िया। सर, मेरा नाम अभिलाष मोदी है। मेरे अनुसार मोटिवेशन के लिए एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं कि बर्फ और पानी, मतलब पानी बर्फ बन जाता है, बर्फ वापस पानी बन जाता है, ये है मोटिवेशन। और दही जो होता है, अगर आप दूध के अंदर दही डाल दें, जावन डाल दें, दुनिया की कोई ताकत वापस उसको दूध नहीं बना सकती। तो मेरे अनुसार ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो नॉन रिवर्सिबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभा में किसी को सुन के, यूट्यूब पे किसी को सुन के या किसी की जिंदगी से हम प्रभावित जरूर होते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस मनस्थिति के साथ खड़ा हूँ, जिस परिस्थिति के साथ खड़ा हूँ, उसमें मैं कहाँ से चीज़ों को हैंडल करूँ, इसके लिए जिस योग्यता की ज़रूरत है उसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वो योग्यता हमारे पास आ जाए, उसकी ज़रूरत तो है। चलिए, बढ़िया। अब दो बातें और कर लेते हैं कि हमारा शिविर को, शिविर में बात करने का शैली क्या रहेगा, क्या नहीं करेंगे वो कह दिया, क्या करेंगे उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या करेंगे, मैं जो कुछ भी प्रपोजल आपके सामने रखूंगा वो एक प्रस्ताव के रूप में रखूंगा, उसमें आप किसी बात को माने ऐसा आपसे आग्रह नहीं है, बल्कि मानना नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। जो भी मैं आपके सामने रखूंगा उसको आप माने ऐसी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। फिर क्या करना है, क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि हम चीजों को मानने से काम नहीं चलेगा, मानने से हम फॉलोअर बनते हैं, हम चीजों को जानना चाहते हैं, जानने से स्वयं के प्रति विश्वास आता है, जानने से मेरा काम चलता है। जानने के लिए जो पावरफुल टूल है उसका नाम स्वनिरीक्षण है। तो पूरे शिविर में हमको जो पावरफुली काम करना है वो स्वनिरीक्षण का करना है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का करना है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन कुछ शब्द हमारे पास हैं जो उसको छूते हैं, लेकिन कैसे करना है वो वक्त आने पे उसको और ठीक से शेयर करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जैसे मानव मानव में समानता है, मानव मानव में समानता की अपेक्षा कितने लोगों में है, कितने लोगों में है? सभी लोगों में है, सभी चाहते हैं, लेकिन इसको सिद्ध कौन कर पाया, व्यावहारिक रूप से इसको सिद्ध कौन कर पाया?
तो शिक्षा एक धरातल है जहां हम इसको व्यावहारिक रूप से सिद्ध कर पाए। शिक्षा वो धरातल है, जैसे ब्रिटेन जैसे देशों में, लंदन जैसी जगह में या किसी और जगह में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में 30 देश के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। किसी भी क्लासरूम में ना धर्म से मतलब है, ना जाति से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना मेल फीमेल से मतलब है ना। तो शिक्षा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाति, धर्म, देश, तमाम सीमाओं से ऊपर उठकर मानव को मानव के रूप में पहचानते हैं या पहचानने की कोशिश करते हैं या उसके साथ चलते हैं। ऐसा क्यों हो पाया? शिक्षा में ऐसा कैसे हो पाया? समझने की क्षमता तो सबके पास है, फिर धर्म में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, धर्म वो शब्द है जिससे हमने धरती पे शांति का पैगाम देने की कोशिश की है, और धर्म वो शब्द है जिसके नाम पे सबसे अधिक युद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे यदि हम धर्म को रिजॉल्व नहीं कर पाए तो। इसका मतलब है, जो सही अर्थों में मानव को जोड़ने की, पहचानने की बात करता है, उस धरातल पर ऐसा पूरी तरह से नहीं हो पाया है, है ना। शिक्षा जो कि मानव के बारे सही अर्थों में बात नहीं करता है, शिक्षा सही अर्थों में मानव के बारे बात नहीं करता है, वो फिजिक्स के बारे, केमिस्ट्री के बारे, मानव के शरीर के बारे बात करता है, लेकिन वहां पे कोई मानव के, मानव मानव के बीच में अंतर नहीं है। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जिनके बारे में बात करते हैं उनका आचरण निश्चित है, तो उसमें अगर कोई लोहा है जैसा यहाँ पर है, वही अमेरिका में होगा, वही कहीं और होगा, तो उसके गुण बिल्कुल निश्चित हैं, इसलिए उसमें कोई है नहीं। बहुत बढ़िया बात, तो बहुत बढ़िया बात आपने कह दी कि हम साइंस में जिन चीज़ों को पढ़ते हैं वो यूनिवर्सल है, इसलिए लॉजिकल है, इसलिए प्रैक्टिसेबल है, इसलिए रेप्लीकेबल है, इसलिए वेरीफाइएबल है। पांच चीज़ें बोला, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये सृष्टि अपने आप में नियम से है कि बिना नियम के है? नियम से है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की है या नियम से है? तो एक बात पता चला कि लोहा लोहा है, दिल दिल है, लीवर लीवर है, लीवर का डॉक्टर पूरे वर्ल्ड में एक ही पढ़ाई पढ़ता है, सारे धर्म और जातियों के सारे लोगों के लीवर का इलाज करता है, ठीक। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई चीज, यदि पूरा एग्जिस्टेंस कहें, ये पूरी कायनात कहें, ये पूरी सृष्टि कहें, ये अपने आप में नियम से है। नियम से है, नियम का परिभाषा ही है कि जो कभी बदलता नहीं है उसका नाम नियम है। इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सल है। यदि कोई चीज यूनिवर्सल है, हमेशा एक जैसा है, किसी नियम से है, इसका मतलब है कि उसको लॉजिकली समझा जा सकता है, तर्कपूर्वक समझा जा सकता है। यदि किसी चीज को तर्कपूर्वक समझा जा सकता है और उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है ना, कैसे? हम मोबाइल की थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, मोबाइल को यूज करते हैं, तो थ्योरी भी देखते हैं, प्रैक्टिस भी देखते हैं, तो मोबाइल पे भरोसा होगा कि नहीं होगा, है ना। अभी स्थिति कैसी है, है ना? अभी माँ बाप बच्चों के मोबाइल से बहुत परेशान हैं कि खुश हैं? परेशान हैं। क्या माँ बाप बच्चों से ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि मोबाइल और हम में से एक चीज चूज कर लो? बोले तुम्हारे बिना तो चल जाएगा, इसके बिना नहीं चलेगा। तो अभी ये क्वेश्चन ही बेईमानी हो गया है। अभी हाथ कहीं छूट जाए तो चलेगा, मोबाइल नहीं छूट सकता। तो इसका मतलब है, कि हमने थ्योरी भी पढ़ी है, प्रैक्टिकल भी देखा है, तो हमको भरोसा होता है। इसका अर्थ हुआ, यदि कोई चीज यूनिवर्सल है, उसको लॉजिकली समझा जा सकता है, उसको प्रैक्टिकली जिया जा सकता है। मैं जी सकता हूँ कि सभी जी सकते हैं? मोबाइल सबकी जेब में है, सबकी जेब में है, इसका मतलब है कि ये रेप्लीकेबल है। रेप्लीकेबल है इसलिए वेरीफाइएबल है। ये सही हुआ,
हमने सही समझा, ये प्रमाणित हो गया क्योंकि सभी के पास पहुंच गया। इसका मतलब है यहाँ भी हम इसी काम को करेंगे। मानव के बारे जो सच्चाई आपके सामने रखी जाएगी उसको हम स्वनिरीक्षण करेंगे, उसको हम परीक्षण करेंगे। परीक्षण का मतलब है कि मेरे अपनों पे लागू होता है कि नहीं होता है, उसको हम सर्वेक्षण करेंगे, सभी पे लागू होता है कि नहीं होता है। इसी को दूसरी भाषा में कहा यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिसेबल है, और रेप्लिकेबल है। रेप्लिकेबल मतलब सभी के लिए, इसलिए वेरीफाइबल है। इस धरातल पर हम सारी चीजों को जांचेंगे। तो जो भी कुछ मैं आपसे कहूंगा, कहने के रूप में कंटेंट कहां से आ रहा है, कहने के रूप में इसको जीवन विद्या शिविर बोलते हैं। स्रोत क्या है? स्रोत मध्यस्थ दर्शन है। जिसके प्रणेता, जिनके माध्यम से ये दर्शन उपलब्ध हुआ, श्रद्धे ए नागराज जी। बढ़िया। एक बार समराइज करें, मैंने क्या आपसे कहने की कोशिश की और क्या आप तक पहुंचा, इसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक बार ध्यान दे लीजिए, मैंने कितनी चीजें आपसे शेयर किया। कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मुख्य रूप से क्या मैंने आपसे शेयर किया, कौन रिपीट करेगा? मैं बार बार ऐसा सभा में पूछता रहूंगा। हाँ जी, ठीक, बोलिए बोलिए, आप में से कोई भी बोलिए। जितनी बात मैंने की उसमें मुख्य हाइलाइट्स क्या थी, क्या आप तक पहुंचा? सर मैं बेसिकली इंग्लिश टीचर हूं, तो मुझे एक चीज लगती थोड़ा है, आपका परिचय कर देंगे? सर अभिलाष मोदी नाम है मेरा, मैं भिलवाड़ा से हूँ। भिलवाड़ा से? जी सर, मैं इंग्लिश टीचर हूँ, 11 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, पर एक चीज़ समझ में आई कि कभी भी स्टूडेंट जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड में भी काम कर रहे हैं, कभी दिक्कत नहीं आती उनको। यहाँ की सीखी भी इंग्लिश वो कहीं भी काम में ले लेते हैं। बट अभी बात करें तो ऐसा होता है बहुत बार कि घर में भी पापा से बात नहीं चल पा रही है, तो हम कहते हैं यार ये तेरी मेंटेलिटी है, ये मेरी मेंटेलिटी है, ऐसी बातचीत होती है। तो ये चीज़ समझ में आती है कि यूनिवर्सल जब तक चीज़ें नहीं होगी, मैं अपनी चला रहा हूँ, पापा अपनी चला रहे हैं, तो कुछ बात हो नहीं पाएगी। तो जब तक जैसे इंग्लिश में फिक्स है इजारेम यहाँ लगना है तो यहीं लगना है, कैन कोड यहाँ लगना है तो यहीं लगना है, वैसे भी अगर मुझे पता है कि इस चीज़ का रेस्पॉन्ड ऐसे ही होना चाहिए, तब तक काम होगा नहीं। तो अभी आपने जो बताने की कोशिश करी वो यह है कि यहाँ का कंटेंट जो होगा वो यूनिवर्सल होगा, कि वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि इसी समाज के लिए हो सकता है, छोटों के लिए हो सकता है, बड़ों के लिए हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम एक ही बात कहते हुए आए हैं। मतलब एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, हम लोग काफ़ी GDs करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन, IIM IIT के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर ऐसी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर हर GD का एंड एक ही चीज़ से होता है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैंने लगभग 500 GD कराए होंगे मेरे 11 साल के करियर में, लगभग लास्ट में यही होता है कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स मेंटेलिटी, ये लाइन होती है। पर यूनिवर्सली कभी समझ में नहीं आई चीज़ कि एक्चुअल में क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे अनुसार ये बात कन्वे की जा रही है कि जो भी बात होगी वो सभी पे एप्लीकेबल हो सकती है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सकती है, उसको लॉजिकली सेट किया जा सकता है, वो हम प्रैक्टिकली लाइफ में जी सकते हैं, वो रेप्लीकेबल भी होगी, मतलब एक ही नहीं सब लोग उसको जी सकेंगे, एंड द लास्ट वन इज अब उसको वेरीफाई भी कर पाएंगे। हाँ, यदि सभी के लिए प्रैक्टिसेबल है तो वेरीफाइबल। जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप कुछ हो?
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजकिशोर शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ और टीचिंग में ही हूँ मैं। तो अभी आपने जो बताया ही बताया कि ये जो यहाँ पे जो बात कही जाएगी वो मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है, पत्नी के लिए नहीं है, परिवार के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है, है सभी के लिए। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर 7 दिन मुझे मेरे लिए ही समझना है, उसके बाद समझ के आगे सभी के साथ जीऊँगा ही मैं। और ये भी कहा कि कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, कुछ चाहिए ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, कोई डूस एंड डोंट्स नहीं होंगे, कोई आदेश नहीं होगा, कोई उपदेश नहीं होगा, इस तरह का भी आपने बताया। और फिर बताया कि तुलना नहीं करनी है किसी, जो ये आप बात कही जा रही है ये आपको स्वयं के आधार पर ही चेक करनी है, जो सेल्फ स्वनिरीक्षण बताया आपने, किसी ओशो से या किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं करनी है, क्योंकि तुलना करने का आधार अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ना तो मैं उसको पूरा जानता और ना ही मैं इसको पूरा जानता, इसलिए मैं तुलना करने के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ, इसलिए तुलना ना करूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ये मेरी समझ में आया। दूसरा, दूसरों को सुधारने का अभी मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मुझे भी स्वयं पे ही काम करना है, स्वयं के लिए ही सुनना है, और जब मैं हो जाऊँगा किस लेवल पर तब अपने आप वो जो होगा वो होगा। और प्रस्ताव है, जो भी बात कही जाएगी वो प्रस्ताव के रूप में कही जाएगी, उसको मानना नहीं है, उसको जानना है, और जानने का आपने आधार बताया कि स्वनिरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण, ये 3 आधार हैं जानने के, कि पहले मैं स्वयं में जांचूं कि वो बात सही लग रही है, अगर लग रही है तो फिर मैं आसपास उसको परीक्षण एक्सपेरिमेंट जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हैं उस तरह से अपन मानव में कर सकते हैं, अगर उनमें लग रही है तो फिर पूरी दुनिया में भी मान सकते हैं, कि अगर वो बात मेरे लिए सही है तो क्या वो सबके लिए सही है, और सबके लिए सही है तो फिर वो एक नियम के रूप में वो बात हो सकती है। तो अभी तक आपने ये सब बातें बताई, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। हाँ जी, आगे माइक। सुधीर शर्मा, जयपुर से। सिर्फ 2 लाइन में समझ में आई बात कि तृप्तिपूर्वक जीवन जीने की शिक्षा ले रहे हैं हम यहाँ पर अपने और अपने परिवार के साथ में, जिसको लॉजिक के साथ समझाया जाएगा और साइंटिफिकली समझाया जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ बेटी जी। सर, मेरा नाम दिव्यांशी है, मैं भी भिलवाड़ा से हूँ। एक और चीज़, जैसे आपने बताया कि आपको क्या मिलेगा ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब हम कोशिश करते हैं कि कोई 7 दिन निकाल रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो एक सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में रहता है कि हमको क्या मिलेगा, मतलब क्यों जाए इसमें। तो आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जो खालीपन होता है हम में वो हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी कोई ऐसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो लाइफ में, कुछ मतलब बहुत और भी कुछ बड़ी चीज़ है, तो कहीं ना कहीं माइंड कन्विंस हो नहीं पाता है कि नहीं अभी के लिए तो यही करना है कि एक बार फाइनेंशियली स्टेबल बनना है। तो लेकिन ये भी पता है कहीं ना कहीं हाँ कि केवल उससे कुछ नहीं होगा, सेटिस्फाइड फील नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड कन्विंस नहीं हो पाता है उसके लिए। तो वो चीज़ आपने जैसा बताया कि खालीपन एड्रेस होगा, तो वो बहुत सही चीज़ लगी कि ये मिलेगा। और अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीना, कि मतलब जब जैसे फाइनेंस आ जाता है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्टेबल बन जाते हैं, तो एक फैमिली में भी कंपैरिजन होने लग जाता है कि ये इतना कमाते हैं, ये इतना कमाते हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा दूर ले जाती है कहीं ना कहीं अपनों से। तो वो भी एक बहुत चीज़ समझने वाली है कि मतलब अगर सिर्फ इसी चीज़ में इंडल्ज रहे तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन और कम हो रहा है बढ़ने की जगह, तो वो चीज़ भी एक समझ में आएगी। और यही कि भौतिक योग्यताओं का जो निर्धारण है वो हम खुद ही करें, दूसरे नहीं करें, क्योंकि फिनेंस ओरिएंटेड मेंटालिटी भी तभी होती है जब हम खुद नहीं कर पाते उस चीज़ का निर्धारण, कोई और कि उसके जितना कमाना है या उसके जैसी चीज़ें चाहिए, तब हम खुद का निर्धारण खुद नहीं कर पाते। तो ये चीज़ अभी मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया, एक सेकेंड। लगभग 35 साल के नीचे कितने लोग हैं? 35 के नीचे कितने होंगे? लगभग 50-40% के आसपास दिख रहे हैं। अभी मैं गंगोत्री में शिविर कर रहा था, तो गंगोत्री मंदिर के जस्ट अपोजिट ईसावाश्यम आश्रम है, वहाँ पे हम शिविर कर रहे थे। तो वहाँ के जो प्रमुख स्वामी जी हैं, संयोग से शिविर के आखिरी दिन उनका आना हुआ, तो उनके सामने ब्रीफ में पूरा 7 दिन में जो कहना चाहते हैं आधे घंटे में ऐसा रख दिया। लेकिन उन्होंने जो अप्रिशिएट किया ये किया कि देखो, हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारे पास ज्ञान तो है पर हमारी मुट्ठी बंद है। ये जितने काले वाल वाले यहाँ बैठे हैं,
बाकी तो आपके सफ़ेद हैं कि काले हैं आपको पता ही है भाई, जो भाई दूसरों को चाहे काले दिखें आपको तो पता ही रहता है। तो बोले जितने काले बाल वाले यहाँ बैठे हैं और सुबह शिविर 8:30 बजे शुरू होता है और रात को 10 बजे तक चलता है, सुबह 8 से शुरू होके बीच बीच में खाना रहता है, टी ब्रेक्स भी रहती हैं, लेकिन हमको 100 लोग कैंपस में रह रहे हैं और हमको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ लोग रह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक है। क्योंकि जब हम कोई सभा करते हैं वो 3-4 घंटे का ही करते हैं, बाकी समय वो लोग गंगोत्री घूम के आते हैं और ये भी नहीं पता घूमने के लिए सभा में आए हैं कि सभा के लिए घूमने में आए, लेकिन दोनों आकर्षण हमको रखना पड़ता है तो लोग यहाँ टिक पाते हैं। इसमें ये युवा पीढ़ी, अभी की युवा पीढ़ी 10 घंटे रोज वो भी दर्शन पे टिक पा रही है, ये हमारे लिए आश्चर्यजनक है। उनके 5 आश्रम हैं राजस्थान में, ये मध्य प्रदेश में, गुजरात में और उत्तरकाशी वगैरह में। तो उन्होंने ये भी शेयर किया कि हमारे आश्रमों में भी यही काम होने की ज़रूरत है। तो एक मित्र भाव के जैसे मित्र रूप में साथ में हो गए तो काफ़ी अच्छा भी लगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा मोदी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, कि बेसिकली हमारी समस्या कुल इतनी है कि मैं सही हूँ कि मम्मी सही है, पति पत्नी के रूप में मैं ठीक हूँ कि पत्नी ठीक कह रही है। तो पति को लगता है मैं ठीक कह रहा हूँ, पत्नी नहीं समझ पा रही है, माँ बाप को लगता है कि हम ठीक कह रहे हैं, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, ऑफिस में लगता है कि बॉस को लगता है कि मैं ठीक हूँ, सबॉर्डिनेट को लगता है कि मैं ठीक हूँ। तो हमारी लड़ाई केवल इतनी है कि ठीक कौन है, कितने लोग सहमत हैं इस बात से, और ठीक का कोई मापदंड नहीं है। जैसे इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है, जैसे हमको लोहे पे विश्वास ज़्यादा है कि आदमी पे विश्वास ज़्यादा है, जोर से बोलो लोहे। तो आदमी को गाली देने का इससे सम्मानजनक तरीका नहीं है। घर में झगड़ा हो जाए तो आप बोल सकते हो तुमसे तो लोहा भी अच्छा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ निश्चितताएं हैं वहाँ कोई नियम काम करता है, लेकिन मानव के बारे हमको लगता ही नहीं है कि कोई नियम काम करता है। और ये मानव के बारे एक सभा हो रही है जहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी चीज़ों को जानेंगे। इसका मतलब पूरी सृष्टि यदि नियम से है तो मानव भी सृष्टि का एक एक्सप्रेशन है। सहमत इस बात से, सभी सहमत? यदि मानव सृष्टि का एक्सप्रेशन है तो मानव पे भी सृष्टि का नियम काम करेगा कि नहीं करेगा? मानव पे भी सृष्टि का नियम काम करेगा। और ये जैन समाज में करेगा कि बौद्ध समाज में भी करेगा? ये भारत में करेगा कि पूरे विश्व में करेगा? पूरे विश्व में ही नहीं करेगा, दूसरा प्लेनेट भी मिल गया तो शरीर उनके अलग हो सकते हैं, क्योंकि शरीर किसी भौगोलिक परिस्थिति में बनता है। हो सकता है वहाँ के शरीर 9 फीट के हों, हो सकता है उनका वजन 200 किलो हो सकता है उनकी आयु 250 साल हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन व्यवहार के नियम दूसरे प्लेनेट पे भी वैसे ही मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। इस आश्वासन के साथ हम इस शिविर को शुरू कर सकते हैं। बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? माइक। नमस्कार सर जी, मेरा नाम विनोद शाह है, मैं आनंद निकेतन शिलच अहमदाबाद से आया हूँ। और मैं ये सारी बातें पढ़ रहा था जब, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आदमी का जो मन होता है, या मन तो होता ही नहीं है, जो विचार होता है वो कमरे में बंद होता है, और जब हम कमरे को गेट खटखटाते रहते हैं और खोलते हैं और उसमें थोड़ी सी ज्योति नज़र आती है तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और फिर वो अपने में नहीं ढूंढते, दूसरे में, यहाँ हमारी चूक होती है। आप इस पे दर्शन दे रहे हैं ऐसा मेरे को महसूस होता है, मैंने शेयर किया आपसे। थैंक यू, बहुत आपका धन्यवाद। हाँ जी,
नमस्कार, मैं अफजल हुसैन अंसारी, आनंद निकेतन शीला जय अहमदाबाद से। आपने अब तक जो बताया सर कि ज़िंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है, बड़ी उत्तम बात थी। आध्यात्मिकता और भौतिकता आदि को चाहने वाला हम स्वयं हैं, हमें स्वयं में बदलना है, किसी और को नहीं बदलना है। शिक्षा में कमियां हैं, उन्हें हमें दूर करना है और वो स्वयं हमें करनी है। विज्ञान जहां रुकता है और वहीं से अनुसंधान शुरू होता है। क्या नहीं करना है उसके आपने जो नियम बताए, फिर उसके बाद समझना स्वयं में होता है, आप किसी दूसरे विचार से तुलना नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल आपकी सटीक है कि हम जब आपकी बातें सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं विचार खटकते हैं, अगर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो हमें तुलना नहीं करनी है, ये बार बार हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कभी बच्चों का जन्म लेना तृप्ति था और कभी उनका जाना तृप्ति होता है। अति उत्तम सर। दुख सिर्फ अपने दे सकते हैं, पराए नहीं देते। भारत में संयुक्त परिवार के जो दो किसान परिवार और एक व्यापारी परिवार का उदाहरण बिल्कुल सही है सर। दूसरों से प्रभावित हुए बिना एक परिवार अपनी आवश्यकताओं का विकास ये किसी भी अर्थव्यवस्था ने नहीं दिया। आवश्यकता का निर्धारण यस नहीं है। हम अपनी भौतिकता स्वयं तय करें ये सीख पाना बड़ी मुश्किल बात है, ये दूसरे सिखा देते हैं हमें। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन और मोटिवेशन का जो उदाहरण वो सर ने दिया था, बड़ा अच्छा उदाहरण, जो बर्फ़ से पानी का और दही से दूध का, अति उत्तम सर। और शिविर में क्या करेंगे ये जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, धन्यवाद, बहुत बहुत सीख रहे हैं हम अभी, थैंक यू सर। पहले घंटे से ही जो सभा की क्वालिटी है वो भी बहुत एप्रिशिएबल है। जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। बोर्ड आप में से, बोर्ड अंधेरे में है या आपको दिख रहा है, या आपको फिर उसी बोर्ड से काम चल जाएगा? दिख रहा है, उसमें दिख रहा है। जूमिंग होता तो दिखता है। चलिए चलिए, तो बात शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने चर्चा किया, तो चाहे आध्यात्मिकता है, चाहे सामाजिकता है, चाहे हमारी आर्थिक स्थितियां हैं, चाहे हमारी पारिवारिक स्थितियां हैं, सब कुछ एक मानव के ही अलग अलग आयाम हैं, एक मानव के ही अलग अलग एक्सप्रेशन है, ये कोई अलग दुनिया है नहीं। यदि मानव के ही अलग अलग आयाम हैं तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। यदि थोड़ा सा और एक बर्ड व्यू बन जाएगा तो हो सकता है हमारे समझने में और आराम आ जाएगा। तो मेरे को ये भी लगता है कि जो दो विधियां अभी तक रही हैं, जैसे मानव है और मानव को सुख की तलाश है, उसको सुख शांति संतोष आनंद परमानंद जो भी कहना चाहें, हम सबके लिए अलग अलग शब्द हो सकते हैं। मानव है और मानव को सुख की तलाश है, उसके लिए जो अभी तक हमारे पास तरीका उपलब्ध रहा, एक तरीका है कि ईश्वर प्राप्ति में सारा सुख है, ईश्वर में सारा सुख है। दूसरा तरीका हमारे पास रहा कि शरीर में सारा सुख है। तो ईश्वर को पाने के लिए हमने साधना विधि का इस्तेमाल किया, इसको पाने का तरीका साधना विधि है, और शरीर से सुख पाने का तरीका भोग विधि है। दो तरीके इसकी यात्रा अभी तक हमने की है। तो
तो ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर का भक्ति, उसके लिए संसार से विरक्ति, उसके लिए न्यूनतम साधन में जीना, न्यूनतम में जीना, ऐसी एक यात्रा हमने की है। भारत में जब भी हम धर्म अध्यात्म की बात करेंगे, हम न्यूनतम साधन की बात करते हुए पाए जाते हैं। और एक परिवार के लिए क्या न्यूनतम साधन का कोई मापदंड हो सकता है? न्यूनतम साधन का, मैं अकेला हूं पेड़ पे बैठ के साधना कर सकता हूं, है ना। अभी हम गंगोत्री गए थे तो तमाम बिल्कुल घोर जंगल में एक पत्थर, एक बड़े से पत्थर के नीचे थोड़ी सी जगह है, तो उसमें एक साधु बढ़िया अपना 20 साल से रह रहे हैं। मैं अकेला हूं तो मेरा न्यूनतम मैं परिभाषित कर सकता हूं, लेकिन यदि मैं एक परिवार के साथ हूं, परिवार के साथ हूं तो ससुराल है ही है, आना जाना होगा तो लेन देन होगा ही, और बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई, मेडिकल, तो इसका मतलब है एक परिवार का न्यूनतम का स्वरूप कह पाना मुश्किल है। जो किसी एक के लिए न्यूनतम हो सकता है वो दूसरे के लिए न्यूनतम हो, स्वीकार हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये एक यात्रा हमने की है। दूसरी एक यात्रा है जिसमें हमने कहा कि शरीर में सारा सुख है, उसके लिए शरीर को भोगना है, शरीर को भोगने के लिए सुविधा की आवश्यकता है, सुविधा के लिए संग्रह की आवश्यकता है, संग्रह के लिए शोषण की आवश्यकता है, इससे अव्यवस्था पैदा होती है, और इसमें जीने की जीवन शैली का नाम हमने दिया कि हर व्यक्ति अधिकतम चाहता है। तो एक तरफ अधिकतम चाहता है, इसलिए सारे बिजनेस का मोटिवेशन क्या है? सारे बिजनेस का एक ही मोटिवेशन है कि जिस बिजनेस को आप करते हो उसमें आपकी मोनोपोली हो जाए। तो बिजनेस में मोनोपोली होने से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि फिर उसकी शर्तें आप परिभाषित कर सकते हो, है ना। और मोनोपोली करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। जैसे कभी 10-12 टेलीकॉम की कंपनियां हुआ करती थी, अब कितनी बची हैं? 2-3 बचे हैं। तो कुल मिला के सब कुछ इतना सस्ता कर दो कि दूसरा प्लेयर टिक ना पाए, और सब कुछ आपके हाथ में आने के बाद फिर सत्ता आपकी है, तो ये भी एक सत्ता का तरीका है। इसका अर्थ ये हुआ, एक तरफ न्यूनतम का मॉडल है, एक तरफ अधिकतम का मॉडल है। अधिकतम का मॉडल अमेरिकन मॉडल के आधार पर जीने के लिए केवल 100 करोड़ लोगों के लिए साधन धरती पे है, ऐसा बोलते हैं। तो अधिकतम का भी कोई मापदंड नहीं हो सकता, न्यूनतम का भी कोई आधार नहीं हो सकता, इसलिए परिवार के जीने का स्वरूप हमारे पास नहीं है। इसलिए अभी तक हमारे पास परिवार के जीने का स्वरूप ही नहीं है, है ना। क्योंकि परिवार के जीने का जब स्वरूप ही हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है? अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता इंजीनियर बनने से आई, डॉक्टर बनने से आई, आईएएस बनने से आई, मंत्री बनने से आई। तो अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता, जो कुछ भी पढ़ाई हमारे पास उपलब्ध है या जो कुछ भी धर्म अध्यात्म के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, एक परिवार जिसमें किसी रिश्ते में कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो, ऐसा ढूंढ पाना मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की हमारी योग्यता नहीं है। एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके तो हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है कि पड़ोसी के हाथ में है? जोर से बोलो। उसके बाद भी हंस लेते हो, क्या बुरा है? इसके बावजूद हंस लेते हैं, क्या बुरा है? तो दोस्तों, इसका मतलब है एक तीसरी विधि आई है,
एक तीसरी विधि आई है कि सुख की चाहना करने वाला मानव है, सुख की योग्यता रखने वाला मानव है, सारे परिणाम से सुखी दुखी होने वाला मानव है। तो मानव का अध्ययन यदि हो जाए, यदि मानव का अध्ययन हो सके, तो इसको कहा अध्ययन विधि। मानव का अध्ययन होगा तो संबंध का पता चलेगा, संबंध का पता चलेगा तो दूसरे मानव के साथ संबंध का पता चलेगा, प्रकृति के साथ संबंध का पता चलेगा, मानव के साथ जी पाए, इसका नाम उभय तृप्ति है, इसका नाम न्याय है, संबंध में गिला सिकवा शिकायत ना हो, इसका नाम न्याय है, संबंध में गिला सिकवा शिकायत कभी कभी हो या कभी ना हो, कभी ना हो ऐसा ही हम चाहते हैं, तो इसका नाम न्याय है। प्रकृति के साथ जीते हैं तो परिवार में समृद्धि हो जाए और प्रकृति में संतुलन बना रहे। यदि ये रिजल्ट आ गया, परिवार में समृद्धि का मतलब, परिवार में समृद्धि का मतलब अभाव का अभाव हो जाए, कमी की कमी हो जाए, कमी का एहसास ना रहे, दूसरे को देखकर अपने भीतर छोटेपन का एहसास ना आए, तो समृद्धि का भाव आ जाए। गरीबी क्या है, गरीबी क्या है, गरीबी का मतलब है साधन विहीन, दुखी और दरिद्र। अमीर क्या है, साधन संपन्न। सुखी लिखूं, दुखी दरिद्र बोल रहे हैं, साधन संपन्न, दुखी और दरिद्र। गरीब दुखी क्यों है, साधन की कमी है। दरिद्र क्यों है, दूसरे को देखकर छोटेपन का एहसास आता है। ये अमीर दुखी क्यों है, क्योंकि कंपैरिजन किससे होगा, अपने से बड़े से होगा कि छोटे से होगा, बड़े से ही होगा, तो दरिद्रता बने ही रहेगी। और संबंध में ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, तो दुख कई तरफ से आता ही रहेगा। फिर साधन संपन्न है अमीर, अमीर साधन संपन्न है, ऐसा हम कितने लोग मानते हैं, हाथ खड़े करो, अमीर साधन संपन्न है, अमीर साधन संपन्न है। ये अमीर को लगता है कि उसके पड़ोसी को लगता है, पड़ोसी को लगता है, उसको लगता तो संपन्न होता, फिर प्रॉब्लम ही कहां होती। तो साधन संपन्न वो है पर उसको लगता नहीं, किसी को देख के कम ही लगता है। इसका मतलब एक तीसरा शब्द है समृद्धि, जिसको बोल रहे हैं, समृद्धि का मतलब है साधन संपन्न, सुखी और उदार। साधन संपन्न, सुखी और उदार, ये तीसरी वैरायटी आई है। तो अमीर और गरीब दोनों इस धरती का बोझ हैं, हाँ। और कई बार तो अमीरों की मानसिक गरीबी के कारण धरती पे अव्यवस्था है। क्या लगता है, इस धरती पे अव्यवस्था का कारण, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे अमीरों की मानसिक गरीबी है, क्योंकि उसकी मानसिक गरीबी की वजह से बहुत कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से तमाम तरह का ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग, तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। तो दोस्तों, यदि ये रिजल्ट आ गया कि परिवार में समृद्धि हो जाए, पूरा परिवार ये महसूस कर सके कि हमारी आवश्यकताओं से अधिक उपलब्ध है, प्रकृति में संतुलन, प्रकृति में संतुलन, प्रकृति की आवश्यकता है कि हमारी आवश्यकता है, क्यों, क्यों, क्योंकि हमारे जिंदा रहने के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे भी समृद्धि पूर्वक जी सकें, इसके लिए प्रकृति के संतुलन रहने की आवश्यकता है।
तो ये तीसरी विधि है। तो मैंने आपसे क्या कहने की कोशिश की, साधना विधि सबसे पुरानी, भोग विधि अभी ज़्यादा दिखाई दी पिछले 200-300 साल में। तो भोग विधि साधना विधि से जीवन में तृप्ति पाने की कोशिश हमने की है, उसके किन्हीं उसमें जो भी कुछ अच्छा है वो भी देखा है ना। साधना विधि की अच्छाइयाँ क्या हैं, कम से कम साधना विधि ने हमको बताया है कि मानव में, मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली कोई वास्तविकता अलग है। सभी धर्मों में एक समानता है, दुनिया के सभी धर्मों में ये समानता है कि उन्होंने इस बात को तो पहचाना ही है कि मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली रियलिटी, किसी ने उसको रूह बोला, किसी ने स्पिरिट बोला, किसी ने आत्मा बोला, किसी ने है ना कोई और नाम दे दिया। इसका मतलब है कि सभी धर्मों में एक समानता है कि मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली कोई और वास्तविकता भी है, और उस वास्तविकता को हमने किसी न किसी रूप में पहचाना है। कम से कम भारतीय परंपरा में बड़ा आदमी कौन, जिसके पास धन बड़ा है, जिसके पास पद बड़ा है, कि जिसके पास आचरण बड़ा है, ज्ञान बड़ा है, आचरण बड़ा है, आचरण बड़ा है ना। एक फक्कड़ फकीर को प्रधानमंत्री भी जाके पैर छू के आता है हमारे देश में। इसका मतलब है कि इस देश में यदि भामाशाह का सम्मान है तो किस बात के लिए, पैसे वाला था इसलिए सम्मान है कि पैसे का नियोजन सही जगह किया इस बात का सम्मान है, पैसे का नियोजन सही जगह में किया इस बात का सम्मान है। तो दोस्तों यदि ये रिजल्ट आ गया तो क्या गीता बाइबल कुरान से पूछना पड़ेगा कि मैं ठीक हूँ कि गलत हूँ, या ये स्वयं सिद्ध है, ये स्वयं सिद्ध है। रिजल्ट बताता है कि आपने ठीक समझा था, रिजल्ट बताता है कि आप ठीक हो, रिजल्ट बताता है कि ये सभी के लिए ऐसा है कि कुछ ही परिवारों के लिए ऐसा है, सभी के लिए, भारत के लिए कि पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। एक परिवार करेगा तो क्या करेगा, एक परिवार अपने में काम ना करेगा तो क्या करेगा। मेरे परिवार के सारे संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हों, आज के दिन मुक्त हों कि हमेशा के लिए मुक्त हों, हमेशा के लिए, और मेरे परिवार में किसी भौतिक वस्तु का अभाव ना हो, इससे अधिक एक परिवार क्या कल्पना करेगा, क्या कल्पना करेगा, इससे अधिक की कल्पना परिवार के पास नहीं आ सकती। इसलिए पूर्णता की परिभाषा है, पूर्णता की परिभाषा है जो कम अधिक से मुक्त होता है उसका नाम पूर्ण है, जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, इसका नाम पूर्ण है। क्या मतलब, तो एक परिवार के स्वरूप को हमने पहचाना, परिवार क्या स्वरूप है, परिवार शिकायत मुक्त हो, अभाव मुक्त हो, ये एक परिवार का स्वरूप है। ऐसा स्वरूप कितने परिवार पाना चाहेंगे, हम सभी पाना चाहेंगे, धरती के सभी लोग पाना चाहेंगे। ऐसे परिवार को हम पा जाएं, ऐसे परिवार को हम पा जाएं तो समाज क्या है, समाज क्या है, परिवारों का समूह। समाज का बिल्डिंग ब्लॉक परिवार है, परिवार का बिल्डिंग ब्लॉक मानव है। यदि मानव समझ में आ गया तो परिवार दिखाई दे जाएगा, परिवार दिखाई दे गया तो भय मुक्त समाज दिखाई दे जाएगा। इतना हो गया, धरती स्वर्ग हो जाएगी।